बुरहानपुर जिले की नगर निगम ने कुछ दिन पहले परिषद की बैठक बुलाई थी। बैठक को अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर आगे की तारीख दे दी गई, लेकिन महापौर और कमिश्नर ने अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करते हुए अनैतिक तरीके से बैठक पुनः प्रारंभ कर शहर का बजट पास कर दिया, जिसमें कांग्रेसी पार्षदों ने आपत्ति लेते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बजट को स्थगित करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं होने से उन्होंने आज फिर ज्ञापन सौंप कर FIR की मांग की और 4 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। कानूनी मुद्दा ये है कि ये मामला नगर निगम तक सीमित नहीं है। दरअसल क्या है कि अधिनियम के अंदर अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो हालात को देखते हुए मीटिंग को स्थगित करने का अधिकार ये अध्यक्ष का है, और ये ऐसा अधिकार है कि जो कोई भी इसको समाप्त नहीं कर सकता, और अध्यक्ष की मीटिंग समाप्त करने के बाद कोई भी मीटिंग को संचालित नहीं कर सकता। जहां तक के ये मामला आया है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि नगर निगम में निर्वाचित अध्यक्ष अनीता अमर यादव के रहने के बावजूद किसी और को अध्यक्ष के आसन पर बैठाना, ये ऐसा हो गया कि हम अगर बुरहानपुर की जबान में कहें कि फर्जी अध्यक्ष बनाकर नगर निगम के लोक दस्तावेज जो वहां पर प्रोसीडिंग होती है वो जनता की लोक प्रोसीडिंग होती है। 21 तारीख को जो परिषद की मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद में जो आसन का अपमान हुआ उसको लेकर हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है कि जो वरिष्ठ पार्षद थे जो आसंदी पर बैठे थे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई, और ये जो पद था उस पद की गरिमा का उन्होंने उल्लंघन किया, उसको लेकर हमने SP साहब को शिकायत की। SP महोदय ने कहा है कि इन पर FIR दर्ज हो, और क्योंकि FIR दर्ज इसलिए होना चाहिए कि लोकतंत्र का अपमान के साथ साथ संविधान का अपमान है, तो ऐसे लोगों पर आज कार्रवाई नहीं हुई तो देश में इसका मैसेज लोकतंत्र का खतरे में अपने आप दिखे। कितने दिन का अल्टीमेटम? हमने उनको 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम हमने उनसे ये कहा है कि आप वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग बना के आप देख लीजिए कि क्या है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो कहीं छुपी किसी से नहीं है, वो तो अपने आप सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि हमने हमारे अध्यक्ष और हमारे पार्षद साथियों ने वहाँ क्या किया है।